नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। दोस्तों ये वेगो का इंजन है और इसका ये क्रैंक चेंज किया हमने। इसका क्रैंक का देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुआ था। ये जो थ्रेड देख रहे हैं आप, क्लच साइड का जो ये थ्रेड है, ये पूरा मार खा गया है। किसी मैकेनिक ने इसे खोला था और ये उल्टा चूड़ी कराता है, उसमें गलती बस सीधा चूड़ी लगाने की कोशिश करने में ये चला गया। तो इसका थ्रेड अगर हम बनवाते भी हैं तो सही नहीं बनता, वो टूट जाता है, सक्सेस नहीं है। तो हमें इसके लिए हमें क्रैंक चेंज करना पड़ा। तो हमने नया क्रैंक लेकर आए हैं, ये वाला नया क्रैंक है, ये नया क्रैंक हम चेंज किए हैं। ये पूरा कंप्लीट वेगो का नया क्रैंक लेकर आए हैं और इसे चेंज करना है। तो इस इंजन में सिर्फ प्रॉब्लम यही था कि क्रैंक चेंज करना था। तो चलिए फटाफट से हम इस क्रैंक को लगा लेते हैं और ये पुराना वाला हटा देते हैं। तो सिर्फ क्रैंक ही चेंज करना है, तो चलिए हम इसे फिटिंग करते हैं। क्रैंक को बस क्रैंक को लगा लेंगे, क्रैंक को फिटिंग कर लेते हैं। सिर्फ चूड़ी स्लिप होने के कारण हमें क्रैंक चेंज करना पड़ा। पहले भी चूड़ी बनाया जा चुका है लेकिन सक्सेस नहीं है। चूड़ी जो कंपनी का बना हुआ रहता है ना, वो चलता है और बाद में बना हुआ चलता नहीं। और उल्टी चूड़ी तो खैर बहुत लोग बना भी नहीं पाते। तो चलिए हम इसे फटाफट से फिटिंग करते हैं। वेगो का इंजन आज आपको सिखाएंगे कि वेगो का इंजन कैसे फिटिंग करते हैं, ठीक है, वेगो और जुपिटर का। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो क्रैंक को हमने ये लगा दिया। अब हम इस जगह पे बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि इस जगह पे पैकिंग नहीं होता है ना, तो इस जगह पे हम बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड लगाकर इसका चैम्बर को हम चिपका देंगे, ठीक है। इस क्रैंक में कुछ हुआ नहीं था, क्रैंक सही था, सिर्फ चूड़ी ही इसका डैमेज हो गई थी। चलिए हम इसमें बोर्ड लगा लेते हैं। क्योंकि मेन चैम्बर में पैकिंग नहीं होता ना, तो हम इसमें गैस्केट सोल्यूशन ही लगाकर इसे फिटिंग करेंगे। सारे चैम्बर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, ऐसा ना हो कि पुराना वाला आपका सोल्यूशन लगा हुआ हो और आप उसी के ऊपर चिपका दें। उसे पूरा अच्छी तरीके से साफ कर लें ब्लेड से। ये सोल्यूशन हमने लगा दिया, चेक कर लेंगे कहीं छूटा हुआ तो नहीं है, कहीं अगर छूटा हुआ रहेगा ना तो लीकेज करने का संभावना रहेगा, ठीक है। और सोल्यूशन का मोटा परत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम जब चैम्बर को लगाएंगे ना तो जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा बाहर अपने आप। अब इसे हल्का सा हम ठोकेंगे, ये चला जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा, हल्का सा ठोकेंगे तो ये चला जाएगा अंदर। सिर्फ क्रैंक की वजह से हमें खोलना पड़ा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, धुआं वगैरह कुछ भी नहीं दे रही थी गाड़ी। ठीक है, अब हम इसका सभी बोल्ट को, चैम्बर बोल्ट को लगा लेंगे। सारे चैम्बर बोल्ट एक ही साइज के होते हैं, सारे चैम्बर बोल्ट को लगा लेंगे और लगाकर कस लेते हैं। चलिए सबको बारी बारी से टाइट कर लेते हैं। सारे चैम्बर बोल्ट को हमने लगा दिया, सबको बारी बारी से टाइट कर लेते हैं। सबको टाइट करने के बाद इसका ब्लॉक वगैरह फिट करेंगे। ब्लॉक और हेड एक साथ लगा हुआ है, हमने जब इसे खोला था तो गाड़ी धुआं नहीं दे रही थी, तो हमें पिस्टन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर हम पिस्टन को बाहर निकालते ना तो हमें फिर रिंग डालना पड़ता, पिस्टन रिंग। तो अगर हम पिस्टन को ब्लॉक में लगा हुआ ही छोड़ दें तो ज़रूरत नहीं हमें रिंग डालने की। लेकिन अगर आपका ब्लॉक से पिस्टन बाहर हो गया तो आपको डालना पड़ेगा।
ये चीज़ का ध्यान रखेंगे जब भी आप सिर्फ इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया, टूट गया, कुछ चेंज करना है, हेड ब्लॉक में कोई काम नहीं है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ब्लॉक से पिस्टन को बाहर नहीं निकालना है। और अगर किसी कारणवश निकल भी गया ना, तो आपको रिंग चेंज कर देना, पिस्टन रिंग सिर्फ जो साइज का है, स्टैंडर्ड 25-50 जो भी साइज का है। चलिए, हमारा चैम्बर का सभी बोल्ट लगभग लगभग टाइट हो गया है। चलिए, सारा बोल्ट वगैरह सब टाइट हो गया है, देख रहे हैं यहाँ पर सारा बोल्ट वगैरह सब टाइट हो गया है। अब यहाँ पर एक पिनियन लगेगा जो कि वाल पंप को घुमाता है, उसे डालेंगे और ऊपर से एक उसका लॉक होता है, ये इसे आप डालेंगे, इजली चला जाएगा। सिर्फ एक पिन लगा हुआ रहता है क्रैंक में, जिसमें जाकर ये फंसता है, छोटा सा पिन रहता है, ये लग गया। अब इसमें एक लॉक लगेगा, चलिए इस लॉक को नोच प्लास की मदद से लगा लेते हैं। लॉक लगाने के बाद इसका हम हेड ब्लॉक को फिटिंग करेंगे। कोई भी लॉक फिटिंग करें ना, तो ये जरूर चेक करें कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा। लॉक को घूमना चाहिए अपने जगह पे, जिस ग्रुप पे वो बैठा है ना, वहाँ पे वो घूमना चाहिए, ठीक है। तो इधर और भी कुछ नहीं रहता, बस इतना ही सामान रहता है, उसके ऊपर में से फिर प्लेट लग जाएगा, ठीक है। इतना ही सामान इधर रहता है, ये वाला प्लेट, ये प्लेट लगेगा। अगर वाल से लीकेज है तो चेंज करें, नहीं लीकेज है तो ज़रूरी नहीं है चेंज करना। चलिए, इसका तीनों स्क्रू को लगा लेते हैं। स्कूटी का इंजन फिटिंग करना बड़ा आसान है, चूँकि गियर वगैरह का झमेला नहीं है उसमें। तीनों स्क्रू को कस लेंगे, पहले फंसा लेंगे, उसके बाद बारी बारी से कस लेंगे। देख रहे, तीनों स्क्रू को हमने कस दिया। हो गया, प्लेट का तीनों स्क्रू कसा गया। अब हम इसका हेड ब्लॉक को फिट करते हैं, ठीक है। अब हम इसे ऊपर कर लेते हैं कैनेटिंग को, और हेड ब्लॉक को फिटिंग करते हैं। पैकिंग डालेंगे इस जगह पे, पैकिंग फट गया था, नया पैकिंग डालेंगे, और पैकिंग डालकर ब्लॉक को लगाएंगे। अगर आपका ब्लॉक और हेड में कोई काम है तो आप ब्लॉक और हेड खोल सकते हैं, धुआं वगैरह दे रही या किसी भी तरह का कोई काम है तो, और अगर कोई काम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। देख रहे, ये पिस्टन डला हुआ है उसमें, बस उसे कनेक्टिंग का सीध में करके उसे फिटिंग कर देना है। हेड लगा हुआ है, और सिर्फ हमें अब इसे लगाने के बाद टाइमिंग चेन को डाल देना है, समझे। पिस्टन पिन को लगा लेंगे। इसे सेंटर में करके आपको डालना है, और ये
आराम से चला जाएगा इजीली। अगर ये सेंटर में है ना तो ये इजीली चला जाएगा, अगर सेंटर में नहीं है तो दिक्कत होगा लगाने में आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। सब बीच में कर लेते हैं, नीचे हो गया थोड़ा, अब इसे लगाते हैं। सेंटर नहीं रहने पे दिक्कत होती है लगाने में, अगर सेंटर है तो इजीली चला जाएगा। अब इसका हम पिन का लॉक लगा लेते हैं या कपड़ा डाल लेते हैं, अगर पिन का लॉक किसी कारणवश छटका तो वो अंदर चला जाएगा। चलिए ये लग गया, अब हम इसे बैठा देते हैं, ठीक है। पिस्टन अंदर चला गया, अब हम ब्लॉक को बैठा देते हैं। थोड़ा सा ब्लॉक को हिला डुला कर पिस्टन को अंदर कर लेना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो रिंग टूट सकता है, रिंग पिस्टन रिंग। पिस्टन अगर आपका नया भी है ना तो पिस्टन इजी जाना चाहिए, अगर वो टाइट जा रहा है तो समझिए आपका रिंग मार खा जाएगा। ये हो गया, इधर लग गया। अब हम कैमशाफ्ट होल्डर लगाएंगे, पहले टाइमिंग चेन को डाल लेते हैं, टाइमिंग चेन नीचे तक चलाएगा, उसके बाद कैमशाफ्ट होल्डर लगाएंगे, उसके बाद कैमशाफ्ट में टाइमिंग चेन को फिटिंग करेंगे। हालांकि पिस्टन टॉप में है तो हमें टाइमिंग मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नीचे ऊपर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे इसका मार्किंग मारा हुआ रहता है मैग्नेट में टॉप में करने के लिए। कुछ स्कूटियां भी दी हुई रहती है कि आपको टाइमिंग चेन लगाने के लिए इंजन खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें इंजन खोलने के लिए नहीं है, इसमें साइड से प्लेट दिया हुआ है, अगर आपका टाइमिंग चेन बीच में ख़राब हो गया तो आप उसे प्लेट खोलकर चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग चेन का जो गाइड है वो फंस रहा है, चलिए उसे हम चढ़ा लेते हैं। इसे चढ़ाकर एक राउंड मारेंगे ना तो ये चढ़ जाएगा, क्योंकि गाइड इसका सटा हुआ रहता है क्रैंक में। तो टाइमिंग चेन चढ़ गया है क्रैंक में, अब इसका होल्डर को लगाते हैं, ठीक है। अब हम स्पोकेट लगाएंगे, स्पोकेट का टाइमिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं इसे लगा लेता हूँ कैमशाफ्ट में। इसका टाइमिंग ये वाला है, ये वाला ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये आपका हेड का सेंटर में रहेगा, चलिए हम इसे फिटिंग कर देते हैं। ये इसका टाइमिंग है, एक थोड़ा पीछे, टाइमिंग इसका आउट नहीं होना चाहिए, अगर टाइमिंग आउट होगा ना तो वाल बैंड होने का डर रहता है। वाल बैंड होगा तो आपको दिक्कत होगा, फिर से पुराना खोलना पड़ेगा, पूरा हेड खोलना पड़ेगा फिर से। चलिए टाइमिंग को मिला लेते हैं, ये हो गया एक्यूरेट। इसे हम मैग्नेट से भी दिखाएंगे आपको, मैग्नेट में कहाँ मार्किंग मारा हुआ रहता है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा लगाने में। ये लाइनिंग
यहाँ पे चढ़ा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको इसका टाइमिंग दिखा रहा हूँ। ये इसका टाइमिंग है, देख रहे हैं, ये टॉप में है ना, टॉप में है। टी के बगल वाला मार्किंग में चेक करना है आपको, टी में नहीं। और यहाँ टाइमिंग सही है, ठीक है। ये दोनों सेंटर में है, दोनों स्पोकेट का मार्किंग हेड का सेंटर में रहेगा। तो ये होगी ये कंप्लीट। अब हम इसमें इसका हेड लगाएंगे, हेड टॉप कवर, हेड तो लगा हुआ है, हेड का टॉप कवर लगाएंगे। उसमें भी पैकिंग नहीं रहता है, उसमें ओरिंग रहता है, एक ओरिंग रहता है। चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। सेंटर टाइमिंग का सेंटर जरूरी है लगाना। चलिए इसमें गैस्केट सोल्यूशन डाल लेते हैं। फिटिंग करते वक्त ये ध्यान दें कि जिस जगह पर पैकिंग नहीं है वहाँ गैस्केट सोल्यूशन देना है और पैकिंग वगैरह को अच्छी तरीके से लगाना है, वरना ऑयल लीकेज करने लगेगा। और ऑयल लीकेज करने लगेगा तो स्कूटी का तो पता भी नहीं चलता, नीचे से ऑयल अगर लीकेज कर रहा है तो रास्ते में गिरते रहेगा, पता चलेगा एक टाइम इंजन ही सीज हो गया। ठीक है, साइड में जो रबर दिया हुआ रहता है उसमें भी हम डाल देंगे सोल्यूशन और इसे फिटिंग कर देते हैं। चलिए इसे डाल देते हैं। हो गया, अब इसका सारा नट बोल्ट वगैरह को लगा लेते हैं। हेड का जितना भी नट बोल्ट वगैरह हम खोले हैं सबको टाइट लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। स्कूटी का इंजन बनाने में ज़्यादा कुछ भी नहीं खोलना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ जब भी हम खोलते हैं ना तो कोई भी चीज़ इंजन में काम करेंगे ना तो इंजन को बाहर निकालना पड़ता बॉडी से, बस यही थोड़ा झमेला है, बाकी बड़ा आसान है लगाना और फिटिंग करना इसे। चलिए इसे लगा लेते हैं। चलिए इसका बोल्ट वगैरह को लगा लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, सारा नट बोल्ट वगैरह को टाइट कर लेते हैं। 10 नंबर 12 नंबर सारे नट बोल्ट लगे हुए होते हैं इसमें, तो उसे लगा लेंगे। और इसे लगाने के बाद इसका पैकिंग वगैरह, साइड का कवर वगैरह सब फिटिंग कर लेंगे, टाइमिंग चेन का ऊपर वाला प्लेट भी फिटिंग कर लेंगे साइड में। और इसका रोलर भी ख़राब है, रोलर गोली उसे भी चेंज करेंगे, रोलर गोली भी नया डालेंगे। क्लच शू भी ख़राब है, क्लच शू भी नया डालेंगे। क्लच शू वगैरह लगाने से क्या होता है ना कि इंजन का पिकअप सही रहेगा, ये ध्यान रखें। जब भी फिटिंग करें ना तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, जो प्रॉब्लम है, जो सामान ख़राब है उसे लगा दें, नया चेंज कर दें, और जो ख़राब नहीं है तो बात की बात है, उसे तो वही रहने दें। ऐसा नहीं कि जब भी इंजन वगैरह खुले तो सारा सामान ही हम चेंज कर दें, जो सही है वो सही है, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इधर सारा चीज़ लग गया, सारा चीज़ टाइट वगैरह हो गया। अब मैं बाकी चीज़ों को, कवर वगैरह सारा चीज़ को लगाते हैं, और मैग्नेट का आर्मेचर वगैरह भी लगा देंगे, मैग्नेट का आर्मेचर भी अभी फिटिंग नहीं किए हैं, तो इन सारी चीज़ों को लगाएंगे। और यहाँ का प्लेट भी लगा देंगे, प्लेट लगाने के बाद हम इसका रोलर गोली चेंज करेंगे,
रोलर गोली भी ख़राब है इसका। चलिए हम इसे पहले रोलर गोली को लगा लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को फिटिंग करेंगे। तो रोलर गोली चेंज कर लेते हैं, ये पुराना वाला है, ये ख़राब हो चुका है। अगर ये ख़राब रहेगा ना तो गाड़ी वाइब्रेट करेगी, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए हम इसमें चेंज करते हैं। बस डाल देना है इसमें, 6 पीस रहता है ये, बस 6 को डाल देना है, सबको डाल दिए। अब इसका ऊपर का प्लेट, इसका ऊपर का प्लेट डाल देंगे, डाल दिए। अब हम इसमें फिटिंग कर देते हैं, ठीक है, ये चला गया। अब इसका बेल्ट, इसके बाद इसका ऊपर का प्लेट, फ्लाईव्हील प्लेट, उसके बाद यहाँ पर वाशर डलेगा और नट डलेगा। तो वाशर इसका था नहीं क्योंकि ज़बरदस्ती लगाया हुआ था, तो हमें इसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और ये वाशर तो है भी नहीं हमारे पास, तो कुछ जुगाड़ लगा के इसे फिट करना पड़ेगा। ये वाशर वगैरह लगाकर जैसे तैसे फिटिंग किया हुआ था पहले, तो हमें मोटा तरह का कोई वाशर अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका वाशर वगैरह अरेंज करते हैं उसके बाद। तो ये पूरा कंप्लीट हो गई, इंजन साइलेंसर वगैरह सब लगा दिए, और मैं इसका ये कर रहा हूँ, व्हील लगा रहा हूँ, चक्का लगा रहा हूँ, और चक्का लगाने के बाद हम फिर इसे गाड़ी में चढ़ा देंगे। चलिए चक्का को लगा कर टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें गाड़ी में चढ़ा कर इसे टाइट कर लेंगे, इसे टाइट कर लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गई। चलिए इसे बॉडी में चढ़ा लेते हैं, बॉडी में चढ़ा कर टाइट वगैरह कर लेते हैं, बॉडी को लाते हैं उधर से और इंजन को बॉडी में चढ़ा देंगे। तो ये हम बॉडी में चढ़ा दिए हैं, सारा कार्बोरेटर वगैरह सब टाइट कर दिए हैं, वायर वगैरह सब लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसे अब स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, ये पूरा कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ लगा दिए, सारा नट बोल्ट वगैरह सब टाइट कर दिए हैं, इधर भी सब लग गया है, उधर भी सब लग गया है। सारा वायर वगैरह सब फिटिंग कर दिए हैं। अब हम इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, ऑन करके हो गया स्टार्ट। इसका बैटरी खुला हुआ है इसलिए किक से स्टार्ट किए, चक्का घूम रहा है इसका। तो हो गई कंप्लीट गाड़ी, अब सिर्फ इसका सीट वगैरह लगाना है और ब्रेक थोड़ा टाइट रूट करना है, बाकी सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसे कंप्लीट करके कस्टमर को दे देंगे। बस इसमें प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ हमें क्रैंक ही चेंज करना था और कुछ भी नहीं चेंज करना था, और रोलर गोली ख़राब निकला था तो उसे भी चेंज कर दिए, और कलच शू भी ख़राब था उसे भी चेंज कर दिए। देख रहे ये क्रैंक, बस इसके कारण हमें पूरा इंजन खोलना पड़ा, ये क्रैंक चेंज करने के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ा। अगर क्रैंक सही रहता तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। भाई नए नए मैकेनिक लोग को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ खोले ना तो ध्यान दें ये उल्टा गुना है या सीधा गुना है, नहीं तो कस्टमर को नुकसान होगा। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे ना तो कस्टमर आपका बना रहेगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। अब ये गाड़ी का सारा चीज़ कंप्लीट करके हम कस्टमर को डिलीवर दे देंगे और गाड़ी चली जाएगी अभी, ठीक है दोस्तों।